Hey guys, ready for the surprise? आपको इन पे भी कोई वीडियो बन चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। Hi guys, what's up? So we are back in Mumbai and we are in Lonavala right now. यहाँ पे बारिश के कारण you can't be without umbrella, वैसा सीन है। आज हम बहुत एक स्पेशल जगह जा रहे हैं। मुझे आप लोग को आज कुछ बहुत स्पेशल दिखाना है जो मैं और मेरे फादर के बहुत क्लोज है, इनफैक्ट पूरी फैमिली से बहुत क्लोज है, जो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। You guys can see it's continuously raining, continuously बारिश हो रही है, रुका नहीं है। आज सुबह से आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, बट आज अपन जाएंगे अपने क्लासिक में, स्कॉर्पियो क्लासिक, माई फेवरेट। मालूम नहीं क्यों मुझे स्कॉर्पियो एन में वो फील नहीं आई जो मुझे स्कॉर्पियो क्लासिक में आई है। मुझे ये कार से बहुत प्यार है, द वे इट लुक्स। जो भी स्कॉर्पियो क्लासिक के फैन है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। एंड सॉरी गाइस, मैं हल्का वीडियो हल्का डिले हो जाता है डालने में, मेक और शेयर, बट विल ट्राई कि आप फ्यूचर में ऐसा डिले ना हो। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, हमारे और भी काम में काफी ज्यादा बिजी हो जाते हैं इसलिए हम डाल नहीं पाते, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। आई वोंट कीप यू गाइस वेटिंग, बट लुक एट दिस गाइस, लुक्स सो ब्यूटीफुल, ना अच्छा लगता है, खासकर ब्लैक कलर में तो भाई अलग ही चॉय, अलग ही मजा है। तो अभी चलते हैं अपन वहाँ पे जहाँ पे मैं आपको बोला था। अच्छा, ये मेरी जगह है, यू कैन सी द हॉर्स। मेरे पापा को घोड़े से बहुत प्यार है, हर जगह लगा रखे। अभी चलते हैं अपन, सो लेट्स गो। आज अपन चलाएंगे अपना स्कॉर्पियो क्लासिक, इसका अलग ही फील है भाई। इसमें ये वाइपर सिस्टम समझता नहीं है, लाइक ऐसे नहीं होता, इसमें अपने को ऐसा करना होता। अच्छा, इसमें भी ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, बट पहले वाले स्कॉर्पियो क्लासिक से, मतलब पहले वाले स्कॉर्पियो से इसमें मेजर डिफरेंस, को चलाने का अलग ही फील है। मैं बिहार से हूँ तो वहाँ पे तो स्कॉर्पियो का अलग ही दीवानगी है, पावर भी है इसमें। अभी अपन एक बहुत स्पेशल जगह जा रहे हैं, आप लोग बताना आपको कैसा लगता है। ये करने में अलग ही मजा है भाई। पहले वाले स्कॉर्पियो में ना एक सबसे पहले जो मैंने इशू फेस किया था कि अपन स्पीड में जाते थे, मैंने चलाया था स्पीड में जाए तो गाड़ी ना टाइम पे हिलने लगती थी, और जो उसका ब्रेकिंग में था ना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट ये वाला भाई 150 140 में भी कार स्ट्रॉन्ग, इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। एक तो यहाँ पे आज मालूम नहीं क्या हो गया, बारिश तो रुकने से ना, मतलब सोच लिया आज बारिश नहीं बंद होगा, कंटिन्यूसली सुबह से ऐसा ही स्पीड में बारिश हो रहा है। बट इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि लोनावला में पानी लगता नहीं है, मतलब जैसा मैंने उम्मीद किया था, जैसे अगर जिस हिसाब से यहाँ पे बारिश होती है उस हिसाब से तो यहाँ पे मतलब हर जगह ऐसा फ्लड हो जाना चाहिए, बट नहीं, ये भी कुछ टाइम का पानी है जो रोड पे ये तुरंत खत्म हो जाएगा, समझो आज है कल नहीं वैसा। आप लोग बताना गाइस इसकी ऑफ रोडिंग करने के टाइम पे कैसी है अपनी क्लासिक, बिकॉज अभी तक अपन ने इस पे ऑफ रोडिंग ट्राई नहीं किया है। सो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि अगर इस पे अपन ने ऑफ रोडिंग ट्राई किया स्टॉक टायर्स में तो क्या ये पॉसिबल है, मतलब एक्सट्रीम नहीं बट नॉर्मल ऑफ रोडिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप लोग प्लीज बताना ये चीज़। बस अब हम पहुंचने वाले वो जगह, एंड द प्लेस इज वेरी स्पेशल गाइस, इट्स वेरी स्पेशल टू आवर फैमिली एवरीवन, मीट माय मॉम, माय फादर, माय सिस्टर, माय वाइफ, एवरीवन। स्पीड है भाई इसमें, स्पीड है, पिकअप भी है, ये स्पीड पिकअप है ना, हमें ही फ्लाइट टच हो गई थी एक बार। अब अपन वो जगह पहुंच गए जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वीडियो में स्टार्टिंग में। Are you guys ready for the surprise? Let's go. Guys, हम आ चुके हैं वो जगह जहाँ की मैं बात कर रहा था। हम लोग ने गौशाला बनाया है, सो अभी हम आपको दिखाएंगे। दिस इज अ गजीबो, यहाँ पे लाइक मैं फादर, मैं मदर, मतलब मेरी वाइफ, हम लोग यहाँ पे, अपनी बहन, हम लोग यहाँ पे आके बैठते हैं। जो आप ये जगह देख रहे हो ना, ये जगह पे अपन फ्यूचर में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का सोचे, तो यहाँ पे जितना भी अपन लाल मिट्टी है तो यहाँ पे काफी कुछ पॉसिबल है। एंड हियर वी आर, ये आ गए हम हमारी फेवरेट प्लेस, ये हमारी साई गाय हैं, ये उनके प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, क्यूट क्यूट से, इनको देख के दिल खुश हो जाता है। साई हमारी गाय हैं, और हमेशा हमारा हमेशा से मन था, मतलब मेरा, मेरे पापा का, मेरी मम्मी का, मेरी वाइफ का, मेरी बहन का, सबका मन था हमेशा से कि हमारे पास एक गौशाला हो और हम लोग गाय का सेवा करें, और इससे बड़ा पुण्य का काम तो इस दुनिया में कुछ नहीं है। फाइनली हमारा ड्रीम पूरा हुआ एंड हमने अपना गौशाला चालू किया, इसमें हमारी साई गायें, अभी हम लोग और भी फ्यूचर में ऐड करने वाले हैं। आई थिंक दिन का कम से कम 10 से 15 लीटर दूध हो जाता है, सबसे ज़्यादा उनमें से होता है। एंड ये साई देखो क्यूट क्यूट से बच्चे, क्यूट क्यूट क्यूट, ये
कितने क्यूट है सारे। इस दुनिया में इससे अच्छा चीज़ मुझे कुछ नहीं लगता है, मेरे को यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। सो हमने गाइस ये जगह ही लिया था, ये पूरा जगह हमने इसलिए लिया था कि ताकि हम यहाँ पे गौशाला चालू करें, एंड फाइनली वो चीज़ पॉसिबल होते हुए इनके लिए फैन भी लगा यहाँ पे लगा हुआ है, और ये भी लगा हुआ है मच्छर वाला जिससे इनको मच्छर ना काटे, इनको मेंटेन करने के लिए आदमी भी है। आप लोग बताना आपको कैसा लगा ये सरप्राइज। फाइनली एक महीना हो गया है ये जगह चालू हुए, और आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे पापा ने इतना अच्छा काम कराया है। एंड मैं आप लोग को भी मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी फ्यूचर में कभी ना कभी जब अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे तो प्लीज़ एक गौशाला खोलना, क्योंकि आपको तो मालूम है हिंदुइज्म में इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं है सनातन धर्म में। इसी बात पे जय श्री राम। और बाय द वे आपको तो मैं ये बताना भूल ही गया, मेरे पास एक प्यारी सी घोड़ी भी है इनका, जिनका नाम है बसंती। ये अभी 2.5 साल की हैं, बच्ची हैं, बिल्कुल भी बदमाश नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं ये। और ये देखो आप गणपति बप्पा मौर्या, कितने प्यारे लग रहे हैं गणपति बप्पा। ये कृष्ण भगवान, बीच में गणपति बप्पा। ये जगह हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए रखा है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी फील होती है गाइस, इससे अच्छी चीज़ इतनी अच्छी वाइब आती है यहाँ पे, इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। इनके साथ जो टाइम स्पेंड किया उससे अच्छा कोई टाइम नहीं लगता मुझे। आप लोग बताना गाइस आप लोग को कैसा लगा ये सरप्राइज। आई होप अच्छा ही लगा होगा, एंड आई होप कि आप लोग भी हल्का मोटिवेट हो गया और ये चीज़ आप अपने फैमिली को बोलोगे कि फ्यूचर में आप लोग भी खोलो गौशाला। मैं तो काफ़ी इमोशनल भी हो रहा था ये चीज़ सोच के कि मतलब मेरे पापा ने इतना, मतलब ये बेसिकली मेरे फादर का आइडिया था। सच में मुझे लगता है कि यहाँ पे आके जो फीलिंग आती है ना, इतना प्योरिटी लगता है ना, वो कहीं पर भी आके नहीं लगता है। एक मंदिर से ज़्यादा खुशी मुझे यहाँ पे मिलती है, और ये मैं बिल्कुल भी एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हो। ये गाबिन है, ये वाली जो ब्लैक वाली है। बारिश जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए उसके बाद ही हम फार्मिंग कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ऐसा हल्का इमोशनल हो जाता है यहाँ पे आके, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था फादर इतना बड़ा सोच सकते हैं। और ये काम भी काफ़ी जल्दी हुआ है, हमने ये प्रॉपर्टी लिया था 6-7 महीने हुए, और ये प्रॉपर हैट्स ऑफ, मेरे फादर हर दिन आते थे, हर दिन खुद से खड़े होकर अपने पैरों पे बनवाया है। बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख के, अलग ही वाइब है यहाँ पे। और मैं जब भी लोनावला में रहता हूँ ना, मैं एक चीज़ हमेशा ट्राई करता हूँ कि दिन में एक बार तो यहाँ पे आऊँ, यहाँ बैठूँ और फिर जाऊँ। पार्किंग स्पेस उतनी बड़ी नहीं है, पार्किंग स्पेस में 2-3 गाड़ी मैक्सिमम लगती है। यहाँ पे ऐसे फुल फैमिली बैठते हैं हम लोग हमेशा हर शाम को, बस यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। वहाँ हमारे प्यारे से गणपति पापा, शेर, हम सब की रक्षा करते हुए मेरे सबसे प्यारे भगवान, मैं कृष्ण भगवान, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताना गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये सरप्राइज। मुझे बहुत मन था आप लोगों को ये चीज़ शेयर करने का, और फाइनली मैं कर पाया। इनफैक्ट आज बारिश के कारण इट इज़ वेरी हार्ड टू व्लॉग, बट स्टिल ठीक है यार, लेट्स नॉट कंप्लेन इन लाइफ। एंड अभी हम लोग ट्राई करेंगे, मैं और शेयर, कि हम लोग रेगुलर हुए, ज़्यादा हम डिले ना करें व्लॉग में। एंड आई एम रियली सॉरी कि वो हमारे हाथ में नहीं था, बीच में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है, हमारा कुछ काम था और भी जो हमको उस पर ध्यान देना था। बट अभी विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन द व्लॉगिंग, एंड वी आर बैक इन मुंबई इंडिया, सो अभी हमारे पास यू नो अभी है, हम कर सकते हैं अच्छे से कंटेंट शूट कर सकते हैं। आप लोग भी सजेस्ट करना कि आप और क्या आपको देखना है, एंड आपको कैसा लग रहा है ये जर्नी, आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको गौशाला देख के। और मेरे को आप लोग को शेयर करनी थी, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आप लोग प्लीज़ बताना। तो आज का वीडियो यहीं पर अपन एंड करते हैं, शेयर नेक्स्ट व्लॉग में कि आज वो है नहीं एक्चुअली, तो आज का व्लॉग अपन यहीं पर एंड करते हैं। तो सी यू गाइस, टेक केयर, एंड मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस अगर आपको इन पे भी कोई वीडियो बन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना।